बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सवार एडवेंचर क्लब की जानिब से मरगला हिल्स में शाह लाजता के पास एक नाइट कैंपिंग इवेंट रखा गया था, जिसमें शमूलियत के लिए हमें भी दावतनामा मिला था। सवार एडवेंचर क्लब के चेयरमैन मोहम्मद अली साहब की तरफ से हमें यह दावतनामा मिला था, जिसमें हमने भी शिरकत की। F9 गैदरिंग पॉइंट था सब बाइकर्स के लिए और 1:30 बजे का टाइम था वहाँ पे पहुँचने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह हम लेट और 3:30 बजे हम F9 पार्क पहुँचे। काफ़ी सारे बाइकर्स वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। खैर, और भी बाइकर्स आए और उसके बाद सब इकट्ठे हुए और उसके बाद हमने शाह लाजता की जानिब अपना सफ़र शुरू किया। और शाह लाजता से होते हुए हम मरगला हिल्स पे पहुँचे। रास्ते की अगर बात की जाए तो शाह लाजता तक, इस्लामाबाद से शाह लाजता विलेज तक रास्ता काफ़ी बेहतर है, लेकिन उससे आगे काफ़ी ख़राब हालत में है। खैर, लेकिन बाइक और गाड़ी वगैरह सब बहुत ईजीली वहाँ पर पहुँच सकती हैं। मैं था, डॉक्टर राउ साहब थे और कैसर भाई थे। हमारा ग्रुप बाकी बाइकर्स के साथ शाह लाजता से होते हुए मुकर्रा मुकाम पे पहुंचे, जहाँ पे कैंपिंग की जानी थी। वहाँ पे जाके सब बाइकर्स ने अपनी बाइक्स पार्क की और उसके बाद अपने कैंप वगैरह लगाने शुरू किए। अब बात कर लें ज़रा वॉइस ओवर की के मैं वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ। तो मसला ये हुआ था कि मैंने कैमरे की माइक सेटिंग को छेड़ी थी, तो जिसके बाद मैंने उसे चेक नहीं किया, तो मुझे पता चला जी इसमें वॉइस तो रिकॉर्ड हुई नहीं, सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा था। तो अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो खैर, जब हम वहाँ पे ऊपर हिल स्टेशन पे पहुँचे, एक पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे ये रेस्टोरेंट मौजूद है, जहाँ पे कैंपिंग वगैरह की जानी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा थी। शाम का टाइम था, तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और सब बाइकर्स खैर अपना अपना कैंप्स लगा रहे थे। ये हमारे अली भाई हैं और इनके नाम शमीर लू है, सबका है और सबका है। ये जी, और ये यहाँ पे रेफरेंस लग चुका है, ये राजीव गांधी ग्रुप का लोगो, ऑन रोड राइडर्स फीचरिंग पाकिस्तान। अच्छा, ये बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके लोगो वगैरह ये। जी, तो अभी हम यहाँ पे चल कर रहे हैं, थोड़ा सा इवेंट और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, 5 बजे सर्दी लग रही है। और बाकी जो हमारे साथ दो राइडर्स आए हैं, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे सर्दी में? जी अच्छा लग रहा है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त, सर्दी बोल रहा है, इन्जॉय हो रहा है। सही सही, चलो करते हैं इन्जॉय। काफ़ी इन्जॉयफुल वेदर है, कैंपिंग के लिए
थैंक यू जी। हमने ये ऊपर वाली पहाड़ी पे जाना जी। ठीक है, पहुंच के फोन कर देना। हेलीकॉप्टर मंगा लो फिर। जी तो अभी हम इस बात ब्लू रेन बैठे हुए हैं, इवेंट से वापस आ चुके हैं, काफ़ी सर्दी थी और अभी यहाँ पे आया कुछ माल वगैरह बैठे हुए हैं, यहाँ पे खाते हैं, उसके बाद फिर वापस घर को चलते हैं। और तहसील भाई सलाम। बस सलाम अलैकुम सर। बात वगैरह कैसा रहा, इवेंट कैसा रहा आपका? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मौसम ठंडा था, वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, बड़े खुशी हुई कि काफ़ी लोग उसमें वहाँ पर पहुँचे हैं और अपना टाइम निकाल कर और इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये सारा क्रेडिट अपना हमारा जो ग्रुप एडमिन है अपने हारून साहब उनके जाता है। शुक्रिया हारून जी। थैंक यू सर। आपके लिबास के बारे में, ये अच्छी जगह पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कैंप, जगह तो बहुत अच्छी है, बल्कि हमें अपना सेपरेटली भी उसको कभी करना चाहिए प्रोग्राम। और बाकी जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनसे भी ये कहेंगे अच्छी जगह है और पुरसकून जगह है और एडवेंचर भी है, क्योंकि काफ़ी सारा ऑफ रोड ट्रैक भी है और ऑन रोड ट्रैक भी है। बाइकर्स के लिए तो एक समझ जाएंगे यूनिक जगह है, जाना चाहिए। और आज का इवेंट भी अच्छा था उनका, काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट थी। हम तो क्योंकि इस तैयारी के साथ नहीं गए थे कि नाइट गुजारे, इसलिए हम तो जल्दी वापस आ गए। वाल अच्छी जगह है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी प्लान करेंगे कि वहाँ खानपुर के लिए जो है जाए, खानपुर डैम को जाता है उससे जी। और ये हमारा रायता और स्वाद आ चुका है, तो ये चारों का वेट कर रहे हैं, आते हैं तो फिर खाते हैं। आपको टेस्ट बताएंगे कैसा है? नया होटल है जी, ये बराबा होटल इस्लामाबाद व्यू एरिया में। जी और ये चावल आ चुके हैं, हमारे शक्ल देखने से लग रहा काफ़ी अच्छे हैं, बाकी चेक करते हैं जी। तो यहाँ पे खाना वगैरह हमने खा लिया है और अच्छा पे टेस्ट इनका ग्राउंड वगैरह का, तो अभी बस जा रहे हैं वापस करी पर। तो इन शाला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।